नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक छोटा सा टॉयलेट रूम बना हुआ है। तो इस वीडियो में हम आपको माप कर दिखाएंगे कि टॉयलेट रूम की लंबाई और चौड़ाई मिनिमम आपको कितनी रखनी चाहिए, यानी कि टॉयलेट रूम मिनिमम कितनी जगह में बनाया जा सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बहुत ही छोटा सा टॉयलेट रूम बना हुआ है, और इस टॉयलेट रूम को मापने के लिए हमारे पास एक टेप है। तो चलिए सबसे पहले हम टॉयलेट रूम की चौड़ाई की डायरेक्शन में लगा के देखते हैं कि रूम की चौड़ाई कितनी है। तो रूम के चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि टॉयलेट रूम की यहां पर टोटल लंबाई 5 फीट 5 इंच रखी गई है, और इस 5 फीट 5 इंच में टॉयलेट रूम के साथ साथ डोर भी होगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि टॉयलेट रूम के फ्रंट पर एक डोर का फ्रेम लगा हुआ है। तो रूम के साथ साथ इस फ्रेम तक की लंबाई 5 फीट 5 इंच है। तो चलिए अब हम टॉयलेट रूम के लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगा के देखते हैं कि टॉयलेट रूम की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉयलेट रूम के लंबाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। अब चलिए देख लेते हैं कि टॉयलेट रूम की टोटल लंबाई कितनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉयलेट रूम की लंबाई 2 फीट 10 इंच है। तो यहाँ पर टॉयलेट रूम की लंबाई 2 फीट 10 इंच है, और यदि हम चौड़ाई की बात करें तो 5 फीट 5 इंच है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्या टॉयलेट रूम की लंबाई इससे भी कम रखी जा सकती है। तो यदि आपके पास जगह कम है तो आप टॉयलेट रूम की लंबाई 2 फीट 6 इंच बाई 3 फीट रख सकते हैं। बट यदि आप टॉयलेट रूम की लंबाई 2 फीट 6 इंच बाई 3 फीट रख रहे हैं, तो इस सिचुएशन में टॉयलेट का जो डोर होगा वो सामने की तरफ खुलेगा। यानी कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दरवाज़ा खोलते समय दरवाज़ा अंदर की तरफ जा रहा है, तो इस तरीके से दरवाज़ा अंदर की तरफ नहीं जाएगा, दरवाजे को आपको बाहर की तरफ खोलना होगा। और इसके साथ साथ एक कंडीशन और है कि आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा हैवी वेट का इंसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 फीट 6 इंच बाई 3 फीट के टॉयलेट को यदि कोई हैवी वेट वाला इंसान यूज करता है तो उसमें वो सही से बैठ नहीं पाता। और यदि मुझे सबसे छोटा बाथरूम बनाना पड़ जाए तो मैं बाथरूम का साइज 2 फीट 10 इंच बाई 4 फीट का टॉयलेट रूम बनाऊंगा, क्योंकि 2 फीट 10 इंच बाई 4 फीट के बाथरूम में इंसान का वेट कितना भी ज़्यादा हो वो आसानी से बाथरूम में बैठ जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टॉयलेट रूम की लंबाई और चौड़ाई आपको मिनिमम क्या रखनी चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।